की जो पत्रकार परिषद है उसमें शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने एक अच्छा मोटरसाइकिल चोरी का जो डिटेक्शन है वो किया है, उसी के बारे में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें उन्होंने एक आरोपी है, उसका नाम जबीउल्ला इद्रीस अंसारी है, वो 23 साल का उनको उम्र है और वो संजय नगर शांतिनगर एरिया में रहता है। हमारे शांतिनगर पुलिस स्टेशन को गोपनीय जानकारी मिली थी, उसी हिसाब से उनको कस्टडी में लेने के बाद उन्होंने अब तक 6 जो मोटरसाइकिल चोरी के गुने हैं वो कबूल किए हैं, उन्होंने किए हुए हैं, और उसमें से 2 ऑटो रिक्शा चोरी के गुने हैं और 3 मोटरसाइकिल चोरी के हैं, और भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर एक मोटरसाइकिल चोरी का गुना है। ऐसे कुल मिला के 6 व्हीकल जो थेफ्ट है वो गुने डिटेक्ट हुए हैं। उसमें से करीब 1,80,000 रुपये का जो मुद्देमाल है वो हमने पुलिस ने सीज किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उसी बीच शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने और एक अच्छी कामगिरी की है, उसमें 9 तारीख को उन्होंने 357 ग्राम का एक चरस पकड़ा था, उसमें अराउंड 3,57,000 रुपीज़ का जो चरस था वो जब्त किया है और उसमें पुलिस स्टेशन में NDPS के तहत गुना दाखिल किया हुआ है। उसमें भी जो आरोपी है उनको, आरोपी का नाम है शफीक मेरा साहेब शेख, उनको अरेस्ट किया है। और उसमें कल रात को भी शांतिनगर पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन के टीम और जो सीनियर PI है उनको जानकारी मिली थी कि एक आदमी जो है सस्पेक्ट वो यहाँ पे गांजा सेल करने के लिए आ रहा है, तो उसमें हमने उनको भी कस्टडी में लेने के बाद उन्होंने 5 किलो 100 ग्राम का गांजा उनसे भी जब्त किया है। उसी के तहत शांतिनगर पुलिस स्टेशन के तहत एक NDPS का गुना दाखिल किया है और उसमें भी आरोपी को अरेस्ट किया है। और उसके बाद भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन है, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन ने भी एक अच्छी कामगिरी की है, उसमें से उन्होंने भी एक सस्पेक्ट था वो पुलिस स्टेशन के जो डिटेक्शन के टीम है सीनियर PI है उनको जानकारी मिली थी कि वो भी यहाँ पे आके बाहर का मालेगांव का रहने वाला है और यहाँ पे भिवंडी में आके मोटरसाइकिल चोरी करता है। उसी तरह से हमने ट्रैप लगाया था और उसमें उनको पकड़ने के बाद उसमें से 3 मोटरसाइकिल के जो ऑफेंसेस है वो हमने डिटेक्ट किए हैं और उसमें से अराउंड 1,60,000 रुपीज़ का जो मोटर व्हीकल्स है वो हमने सीज किए हैं। पुलिस ने टोटल कितने कितने मामलों का खुलासा किया और उसमें कितने आरोपी खुल गए? इसमें अराउंड 9 मोटर व्हीकल थेफ्ट जो है वो डिटेक्ट हुई है और उसमें से 3 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट किया है। आगे की भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर प्रोसेस है, उसमें और भी आरोपी हो सकते हैं, उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें वो भी है कि जो मोटरसाइकिल की जो है जो हमने सीज की हुई है उसमें से वो रिक्शा है मोटरसाइकिल है उन्होंने किसको बेचा था या और आगे की जो लिंक है वो भी हम इस्टेब्लिश करेंगे और उसमें और भी आरोपी अगर इस्टेब्लिश होते हैं तो उनको भी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर जो पकड़े गए चोर है क्या या साथी चोर है उनके ऊपर और भी कोई अपराध दर्ज है? नहीं, अभी तक तो ऐसी जानकारी नहीं मिली है, फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन में फिर उनका प्रीवियस क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या वो भी हम चेक करेंगे। अभी तक मोटिव समझ में नहीं आ रहा है, प्राइमरी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि उनका एक्चुअली मोटिव क्या था। सर इसमें नाबालिग आरोपी है कितने लोग? नहीं नहीं है, नाबालिग आरोपी नहीं है उसमें। सर आरोपी को कितने दिनों की पुलिस हिरासत में थी? नहीं, 3 दिन से थे, 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, 3 अलग अलग एक्यूज है तो अलग अलग उनको पुलिस कस्टडी मिली है।